साल का आखिरी महीना खत्म होने ही वाला है। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन फूड ऑर्डर का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस साल भी लोगों ने जमकर ऑनलाइन खाना मंगवाया, फिर चाहे वो वर्ल्ड कप हो, दिवाली हो या फिर होली, ऑनलाइन फूड डिलीवरी की डिमांड इस साल काफी ज्यादा बढ़ी। स्विगी के पास पूरे देश में काफी कस्टमर्स हैं। इन ग्राहकों ने इस साल ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने पर काफी रुपए खर्च किए हैं। स्विगी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक लोगों ने जो इस साल सबसे ज्यादा ऑर्डर किया है वो रसगुल्ला या गुलाब जामुन नहीं है, बल्कि ऐसी चीज है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। खैर, इस साल एक कस्टमर ने एक दिन में 207 पिज्जा ऑर्डर करने से लेकर वैलेंटाइन डे पर हर मिनट में 271 केक ऑर्डर करने तक की काफी चीजें हुई है। आज हम आपको ऐसे ही ऑर्डर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने साल 2023 में सबको चौंका दिया है। स्विगी ने अपनी सालाना रिपोर्ट हाउ इंडिया स्विगीज 2023 में अपने ऑर्डर वॉल्यूम के बारे में काफी इंटरेस्टिंग खुलासे किए हैं। बिरयानी ने इस साल भी बाजी मारी है और स्विगी पर बिरयानी इस साल एक बार फिर सबसे ज्यादा ऑर्डर करने वाली डिश बन गई है। तो क्या कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है, चलिए जानते हैं। स्विगी ऐप पर मुंबई के एक यूजर ने 1 जनवरी से लेकर 23 नवंबर के बीच अब तक 42.3 लाख रुपीज का फूड ऑर्डर किया। इनमें से ज्यादातर ऑर्डर चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद के यूजर्स अकाउंट से थे। इनमें से हर एक ने 10,000 से ज्यादा का ऑर्डर दिया है। इस साल झांसी से 269 आइटम का ऑर्डर दिया गया था, वहीं भुवनेश्वर ने एक ही दिन में 207 पिज्जा के ऑर्डर दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दुर्गा पूजा के दौरान 7.7 मिलियन से ज्यादा यानी कि करीब 77 लाख से ज्यादा ऑर्डर के साथ गुलाब जामुन ने सभी मिठाइयों को पीछे छोड़ दिया। गरबा के साथ साथ मसाला डोसा नवरात्रि के सभी 9 दिनों के लिए शाकाहारी ऑर्डर्स के टॉप पर रहा। वहीं हैदराबाद के एक कस्टमर ने इडली पर, सिर्फ इडली पर 6 लाख रुपए खर्च किए हैं। सभी के पसंदीदा चॉकलेट केक के लिए 85 लाख यानी कि 8.5 मिलियन ऑर्डर दिए गए हैं स्विगी को। वैलेंटाइन डे 2023 के दौरान देश में हर मिनट 271 केक का ऑर्डर दिया गया। नागपुर के एक कस्टमर ने एक ही दिन में 92 केक का ऑर्डर दिया। वहीं बिरयानी ने लगातार 8वें साल भी स्विगी पर सबसे ज्यादा ऑर्डर किए जाने वाली डिश के रूप में चार्ट में टॉप नंबर हासिल किया है। भारत ने 2023 में हर सेकंड 2.5 बिरयानीज का ऑर्डर दिया है। हर 5.5 चिकन बिरयानीज के साथ एक वेज बिरयानी का ऑर्डर दिया गया। 24.9 लाख यूजर्स ने बिरयानी के ऑर्डर के साथ पहली बार स्विगी पर लॉग इन किया। हर छठा बिरयानी हैदराबाद में ऑर्डर किया गया था और इसी शहर के एक यूजर ने 2023 में कुल 1633 बिरयानी का ऑर्डर किया है स्विगी से। इसके अलावा चंडीगढ़ की एक फैमिली ने भारत पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच के दौरान 70 प्लेट बिरयानी का ऑर्डर दिया था एक ही बार में। अक्टूबर में पाक वर्ल्ड कप मैच के दौरान स्विगी को हर मिनट 250 से ज्यादा बिरयानी के ऑर्डर्स मिल रहे थे। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 14 अक्टूबर को जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था तो इस दौरान स्विगी पर जमकर लोगों ने सामान ऑर्डर किया। इस दौरान महज कुछ ही घंटों में स्विगी के ग्रोसरी प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट से लोगों ने 3,560 कॉन्डम के ऑर्डर डाले थे, जिस पर स्विगी ने लिखा था कि कुछ खिलाड़ी आज ग्राउंड ही नहीं स्टेडियम के बाहर भी खेल रहे हैं। इसके अलावा 19 नवंबर 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल मैच के दौरान देश में हर मिनट स्विगी पर 188 पिज्जाज के ऑर्डर किए गए थे। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स ने इस साल ऑर्डर पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और साइकिल्स का खूब इस्तेमाल किया। वहीं सबसे तेज डिलीवरी स्विगी की तरफ से एक दिल्ली में की गई थी। दिल्ली में एक स्विगी इंस्टामार्ट ने सिर्फ 65 सेकंड में इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट डिलीवर किया था। ये नूडल्स को बनाने में लगने वाले समय का करीब आधा है। तो ये थी स्विगी की बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि इंडियंस ने कितने पैसे खर्च किए हैं स्विगी पर ऑर्डर करने के लिए और बिरयानी ने इस साल भी लगातार 8वें साल बाजी मार ली है। सो काफी इंटरेस्टिंग डेटा था। आप कमेंट करके बताइए कि आपने स्विगी से इस बार क्या कुछ ऑर्डर किया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।